दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शेप की के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे और मेस में आकर के हम एक यूवी स्फीयर ले लेंगे। और इसके बाद जो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए शेप कीज का ऑप्शन हमें मिल गया है। और शेप की में अगर हम यहाँ प्लस बटन भी दबाएंगे और यहाँ पर ये देखिए बेसिक मिल गया है। और इसके बाद हम एक और प्लस दबाएंगे और हमारे पास की वन मिल गया है। की वन में आने के बाद जो है हमें सिंपली टैब दबाकर आपको एडिट मोड में आ जाना है। और यहाँ से जो है हम कहीं भी किसी भी एरिया को कुछ इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मूव पर आ करके, आप चाहें तो यहाँ से मूव करा सकते हैं या फिर स्केल भी करा सकते हैं। और इसके बाद हम अगेन जो है टैब दबाकर वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ से हम चाहें तो प्लस पर दबा करके एक और की बना सकते हैं। और अगेन हम टैब दबाकर आएंगे एडिट मोड में और यहाँ से हम जो है कुछ इस प्रकार से नीचे की एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मूव के बटन पर क्लिक करके हम चाहें तो यहाँ से इसको नीचे मूव करा सकते हैं। और अगेन हम टैब दबाएंगे और यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है एडिट मोड में आएंगे। एडिट मोड में आने के बाद हम जो है यहाँ से सिलेक्शन सेलेक्ट करके और इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है मूव पर आएंगे और इस तरह से जो है आप इसे करके छोड़ देंगे, ड्रैग करके छोड़ देंगे। इसके बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और आप यहाँ से एक और की ले लेंगे और अगेन एडिट मोड में आएंगे और इधर से जो है सेलेक्ट करेंगे और इसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। अगेन वापस आएंगे और कुछ इस तरह से जो है आप एक ऑब्जेक्ट में या कई ऑब्जेक्ट में शेप कीज लगा सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम जैसे क्लिक करेंगे जो है यहाँ पे बेसिक है और इसके बाद कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैल्यूज़ को यहाँ से हम जो है अब चेंजेस करके इधर कम ज़्यादा अपना यहाँ से सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद से की थ्री पे आएंगे और इस तरह से हम इसे बड़ा घटा सकते हैं। और इस प्रकार हम की फोर पर आएंगे और कुछ इस तरह से हम जो है इसे अपने ऑब्जेक्ट में चेंजेस अपनी ज़रूरत के अनुसार ला सकते हैं शेप की मदद से। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि शेप की पर था। और इस तरह से आप जो है शेप की अपने ऑब्जेक्ट में लगा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।